नाम बताओ क्या है? त्रिवेणी शर्मा। तेज बोलो थोड़ा। त्रिवेणी शर्मा। त्रिवेणी शर्मा जी, आपने वोट डाल दी? हाँ जी। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? दिमाग में वोट डालने से पहले? सबसे पहले देश की सुरक्षा। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद बाकी है जो प्रॉब्लम होती है, महंगाई की, पर सबसे पहले देश। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो जी, ये ऑटो जो है गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है यहाँ वृद्ध सीनियर सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए। और ये चल नहीं रहा। जो लोग चलने के लायक नहीं है उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर बिठाए गए हैं। लेकिन ये एनजीओ का कोई ऑटो है, कोई उमेश प्रसाद करके हैं जिनके चार्ज में ये है। और ये जो है सीनियर सिटीजन को लाने की बजाय यहाँ जो है बड़े आराम से सो रहे हैं, चैन क्लीन सो रहा है, खा पी रहा है, गुटखा खा रहा है, मजे ले रहा है। जनसेवा के लिए लगाया गया है ना आपको? 15 बार कह लिए कि घूमट वाली गली। आपने वोट डाल दिया? नाम बताइए। निशा शर्मा। निशा शर्मा जी, क्या मुद्दे रहे आपके दिमाग में वोट डालने से पहले? कंसर्न्स थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कि व्हाट ऑल थिंग्स द गवर्नमेंट हैज डन फॉर द कंट्री, एंड ये सब दिमाग में रखते हुए। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार या कौन सा ऐसा नेता है जो इन सभी चीज़ों को पूरा कर सकता है? सरकार नेता कौन सा है ऐसा जो ये सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है? ऐसे दिमाग में तो ये कोई आया नहीं कि नेता क्या है, लेकिन हाँ कोई कोई कोशिश कर सकता। पार्टी तो कोई होगी ना? पार्टी हाँ, दिमाग में वही रख के मैंने वोट करा है कि पार्टी के बारे में। क्या मुद्दे, किस मुद्दे का वोट डाली आपने? मुद्दे बताओ भैया। ये मुद्दा क्या था वोट डालते वक्त आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में मुद्दा विकास का है मेन। अच्छा। कटवारे सराय में काम नहीं होता, कटवारे सराय में काम करवाना इस बार। अच्छा, कटवारे सराय में काम करवाना। कटवारे सराय में इलाके की सोच, अपने इलाके की देखेंगे हम, हमें दूसरे किसी के इलाके की नहीं देखेंगे। चलो जी, धन्यवाद। कटवारिया में काम करवाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। नाम बताओ आप। तेज बोलो। आप पहली बार वोट डाल रहे हो तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट डाल रहे हो? कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ भी। अच्छा, सरकार तो पहले जो सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है, कर तो रहा है। हाँ, लगता आपको? चलो ठीक है, धन्यवाद। तो हम बात करते हैं, सर अपना नाम बताइए। जयराम सिंह। तो जयराम जी, अभी तक कितने प्रतिशत वोट काउंट हुई? अभी तक हमारे यहाँ 5 पोलिंग बूथ है। हाँ, उनके 32% नहीं, टोटल जो बूथ है हमारे यहाँ 6 है। टोटल जो बूथ होंगे 12 है। 12 पे कितने प्रतिशत वोट मिले? हमारे यहाँ 6 का जो है प्रतिशत वो 6 का। कितने नंबर से कितने नंबर बूथ आपके यहाँ? 77 से 82। 77 से 82। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम 3 बजे। 3 बजे तक 30% वोट। 32%। धन्यवाद। कितने प्रतिशत वोट अभी तक डले हैं? अभी तक लगभग जो है 40% के ऊपर हमारा रेशियो चल रहा है। 45% दोनों पोलिंग स्टेशन पर या एक के? नहीं, हमारी आपके पोलिंग स्टेशन पर 40%। हाँ, 45% पोलिंग हुई है। 45% लगभग। समय क्या हुआ है इस समय? समय हो गया 3 बजे तक 45% पोलिंग आपके पोलिंग स्टेशन पर। कितने बूथ आपके पास? 10 हमारे यहाँ 83 से लेकर के और 90 तक। एक बार परिचय दीजिए आप अपना पूरा। मैं शशि भूषण शुक्ला, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, और मैं यहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का काम देख रहा हूँ। चलो धन्यवाद। क्या नाम आपका? सोनिया जी, जब आपने वोट डाला तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार मोदी सरकार की होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बचपन से बड़े होकर तब तक देखा, तो मैंने मोदी को ही काम करते हुए देखा। नहीं, इससे पहले तो सरकारें बहुत रही हैं, पर उनका कुछ मैंने काम नहीं दिखा, जैसे स्कूल को लेकर या फिर रोड को लेकर या फिर कोई कानून है उसको लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताओ सर।
मेरा नाम दिनेश सेजवाल। दिनेश जी, हाँ जी, आप वोट डालने जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं दिमाग के अंदर, कैसी सरकार आपको चाहिए? अरे मोदी सरकार है, बहुत बढ़िया चल रही है भाई, और इससे बढ़िया क्या चाहिए? अच्छा, और मुसलमान ने सरकार बनवा दी हिंदुस्तान में, करवा देना देश का, बताओ आप बताओ। नहीं नहीं, मैं तो क्या बताऊं आपको, आप तो फिर मुद्दे आपके होने चाहिए ना, मुद्दे एक नंबर के टकाटक चल रहे हैं, बढ़िया रोड बना दिए, बढ़िया रेल बना दी, बढ़िया रोजगार मिल रहे हैं, देश बहुत खुशहाली तरफ चल रहा है, दिक्कत क्या है? खुश आप सरकार से? खुश ना है जी, बहुत खुश है। धन्यवाद। एक मिनट, नाम बताओ। जसीमा खातून। तेज बोलो थोड़ा। जसीमा खातून। अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हो जी, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में, किन मुद्दों को देखकर आप वोट दोगे सरकार को, कैसी सरकार बनाना चाहते हो? मैं क्या बताऊं, जैसे सब कर रहे थे मेरे भी मसला है, जैसे सब डाल रहे वैसे मैं भी डाल के आ जाऊंगी, क्या सरकार जो बढ़िया है मुद्दे क्या है आपके दिमाग में? तो वही तो कह रही हूँ, आप क्या चाहते हो, किसके में दूं? वही दे दूं। मेरा कोई मत नहीं, आप किसके मेरे में दिमाग जो भी मैं घूमेगा वही अच्छा सरकार कर रहा है उसको देंगे वोट। पहलवान जी, हमारे साथ में उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान जी, हम उनसे बात करेंगे। सही राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर राउंड लगा रहे हैं जी, जी कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है जीतेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे, कैसी पोलिंग हुई है? अच्छी हुई है, कितने प्रतिशत को पोलिंग हुई है? साकेत में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? टेन परसेंट ओनली हर वोट आम आदमी पार्टी का वोट नहीं मिल रहा है? इतना नहीं है, हम लोगों से भी बहुत हुई है, लंच की बात भी थोड़ा एक दो तो आ रहा है, लंच से पहले तो काफी। आपको क्या लगता है कि ये जो टक्कर आम आदमी पार्टी की और बीजेपी तो बराबर पे छूटेगी या जितना मेरे को नहीं पता कि बराबर पे छूटेगी कैसे, हमारी तरफ से जो भी जीते बस हमारे लिए ऑल द बेस्ट है। धन्यवाद। कितने प्रतिशत आपके यहाँ मतदान हुआ अभी तक? 55 राउंड अबाउट 55-56% हो चुका है, हो चुका है। और साकेत में अगर 60% वोटिंग हो जाती है या 62 समझ लो 100%, क्योंकि बाकी यहाँ पर कई सारे वोटर हैं नहीं, और कई जो हैं वो जहाँ से आए हैं उनके वोटर वहीं हैं, अभी उन्होंने चेंज नहीं कराई है। तो किसी प्रकार की वोटिंग में कोई समस्या तो नहीं है लिस्टों में या किसी चीज में? नहीं, एक तो सबसे बढ़िया जो आम चुनाव में कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, वोटर्स को उनकी वोट नहीं मिलती है, हाँ, कुछ नाम कट जाते तो, हैं, इस प्रकार की तो कोई समस्या नहीं? नहीं, सबसे बेस्ट हुआ है इस बार बीजेपी ने जो हमारे पास एक ऐप डाली है ना लिंक करके, इसमें लोगों को वोटर स्लिप मिल गई जल्दी, हमने फोन में समझ लो 1 मिनट में 4 से 5 स्लिप निकाल दी, सिर्फ उनका नाम हमें डालना पड़ा और उनके नाम का वो आ गया फौरन कि उनका सीरियल नंबर क्या है और उन्हें कौन से मतदान केंद्र पे किस बूथ पे जाना है। सब इतने खुश थे और सबने कई उन्हें कॉपी निकलवा ली और कई नंबर लिख कर ले गए, फौरन वोट नंबर डाल गया फौरन वोट। आपको कहाँ से मिली? हमारे पीडीपी के संघ से, हमारी जो वो है हमारा कार्यालय है, हमें वहीं से मिली थी, आईटी डिपार्टमेंट कह लो आप। धन्यवाद। तो लोकतंत्र के उत्सव में डागर साहब भी योगदान देने के लिए आए हैं, तो डागर साहब लोकतंत्र के उत्सव में जो योगदान आप देने आए हैं, तो आपके मन में इस वक्त क्या विचार है? देखो पांच साहब आज भाई साहब, ये लोकतंत्र का उत्सव जो है हम आता है हर बार, और मन में भावना ये है कि अपने देश में विकास को प्रथम जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए और देश तरक्की करे, उन्नति के रास्ते पे चले, देश की जनता खुशहाल हो, समाज में जो उन्नति हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये और इसके लिए मोदी जी हमेशा तत्पर रहते हैं, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जो काम कर रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश को उचित और अच्छी दिशा देने के लिए वो हमेशा कार्यरत हैं। और मेरा भी यही कहना है कि
लोगों को घरों से निकलकर अधिक से अधिक मात्रा में वोट देने आना चाहिए, जिससे कि देश एक शिखर पर पहुंचे और देश उन्नति करे, युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, सब चीज़ें जो है हर तरीके से जो उपलब्ध रहें और समाज में कुशलता रहे और आपस में सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहें, इसी भावना के साथ मैं भी वोट देने के लिए यहाँ आया हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।